हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ मौजूद है फिर से हमारे एक्टिंग गुरु और हमारे ट्रेनिंग मेंटर मिस्टर विपिन कुमार, और आज हम उनसे जानेंगे जूनियर आर्टिस्ट के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कशिश जी। हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार, एक्टिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ सक्सेस के फिल्म अकेडमी में। दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कशिश, और मैं बारी बारी से उसका आंसर दूंगा, और इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है माय डियर एस्पायरिंग एक्टर्स, कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर जूनियर आर्टिस्ट होता क्या है, जूनियर आर्टिस्ट के साथ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, जूनियर आर्टिस्ट में स्कोप क्या है, जूनियर आर्टिस्ट आखिर पैसे कितने कमाता है। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखेंगे। तो कम ऑन, वॉच द शो, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। यस कैसी, पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं सर। हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स जानना चाहते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं। जूनियर आर्टिस्ट आखिर होता क्या है। दोस्तों, जूनियर आर्टिस्ट को आप बोल सकते हैं, जूनियर का मतलब होता है छोटा, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, यानी छोटा कलाकार। छोटा कलाकार का डेफिनेशन आप एक शब्दों में, एक सेंटेंस में आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे टेलीविजन सीरियल होते हैं, कई सारे ऐसे मूवी शूट होते हैं जहाँ पे क्राउड की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जिसको क्राउड को भीड़ बोला जाता है, उस भीड़ को भी जूनियर आर्टिस्ट का नाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वन डे टू डे, वन लाइन टू लाइन का डायलॉग्स, उसको भी जूनियर आर्टिस्ट बोला जाता है। सो जूनियर आर्टिस्ट का एक डिफाइन आप इसको डेफिनेशन के थ्रू इसको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि एक छोटा कलाकार जो सहायक तौर पे सेट पे रहता है या क्राउड में रहता है, या कह सकते हैं वन डे टू डे, या छोटे मोटे उसके डायलॉग्स होते हैं, दैट इज अबाउट जूनियर आर्टिस्ट। थैंक यू सर, ये तो जूनियर आर्टिस्ट की डेफिनेशन हो गई। अब आप जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट कितना कमाते हैं, जूनियर आर्टिस्ट आखिर कमाता कितना है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे फोन कॉल सक्सेस ग्रेट फिल्म अकेडमी भी आते रहते हैं कि सर मुंबई में सर्वाइव करने के लिए एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्ट्रेस, लड़के लड़कियां जो जूनियर आर्टिस्ट से जुड़ के कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। दोस्तों, जूनियर आर्टिस्ट आखिर कमाता कितना है, पहले मैं शुरुआत करूंगा एक भीड़ से, यानी कि जो क्राउड में लोग जाते हैं, जो भीड़ में, जैसे आपने कई सारे शो देखे होंगे वहां पे लोग तालियां बजाने के लिए या शोर मचाने के लिए ऐसे कुछ सीन होते हैं, जैसे गांव के, विलेजेस के कई सारे क्राउड दिखाना पड़ता है उस सोसाइटी में, राइट। उस टाइप के जो अर्निंग होती है उनकी पर डे अर्निंग आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट यस 1,500, समटाइम 300, 400, इस तरीके से के लोग 1,000 भी देते हैं, इस तरीके से जूनियर आर्टिस्ट कमाता है। अभी बात करते हैं वन डे टू डे अगर आपका कोई शो मिलता है, कोई टेलीविजन सीरियल आपको मिलता है, वहाँ पे 3,000-4,000 हो सकता है। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, ये जो फंड बता रहा हूँ, हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती जूनियर आर्टिस्ट में। जूनियर आर्टिस्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, सीनियर आर्टिस्ट के बारे में अगर सोचेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, ये तो पता चल गया कि वो कितना कमाते हैं, लेकिन उनके टैलेंट को देखकर क्या उन्हें डायरेक्टली एज ए लीड एक्टर या एक्ट्रेस का रोल मिल सकता है? ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या उनको देख के उनको एज ए लीड एक्टर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है इन द शो, इन द फिल्म और इन द टेलीविजन सीरियल। दोस्तों, आप जब सेट पे होते हो कशिश, जब भी सेट पे रहते हैं आर्टिस्ट, वहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि इस एक्टर को लेना है या नहीं लेना है। मैं मानता हूँ कि अगर आपकी अच्छी अप्रोच है उस कास्टिंग डायरेक्टर से, उस डायरेक्टर से, उस प्रोड्यूसर से अच्छी अप्रोच है, सो देर इज ए चांसेज हैं, 1% चांसेज हैं कि आपको सेट पे ही काम मिल जाए, लेकिन 99% जो काम मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन से। सो आपको ऑडिशन प्रोसेस से ही आगे जा सकते हो आप, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू। फिर सबको जूनियर आर्टिस्ट का काम करना चाहिए मेरे हिसाब, मेरे हिसाब से जूनियर आर्टिस्ट का काम, जो भी मुंबई में आते हैं लोग, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज 45 डेज, 1 महीना एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छा है कि सेट कैसा दिखता है, कैसे लोग शूट करते हैं, किस तरीके से आर्टिस्ट वहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ शूट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे लोकेशंस होते हैं, ये जानकारी के लिए अच्छा है दोस्तों। लेकिन एज अ करियर, अगर आप सोच रहे हो कि करियर इसको बना लिया जाए, सब लोग इसी में जूनियर आर्टिस्ट में शूट करते रहे, इसका कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, इसमें आप आगे बहुत आगे नहीं जा सकते। थैंक यू। फिर से जूनियर आर्टिस्ट को अपने टैलेंट एक्टिंग को संवारने के लिए उनको एक्टिंग भी सीखना जरूरी है। मेरे हिसाब से कैसे, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स मुंबई आते हैं, जो भी जूनियर आर्टिस्ट में वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको एक्टिंग करना ही चाहिए। होता क्या है दोस्तों,
आप एक भीड़ बन के रह जा सकते हो वहां पे, जब आप सेट पे जाते हो आप एक भीड़ बन जाते हो, आप कहीं ना कहीं वहां पे गुमनाम हो जाते हो, कोई आपको पूछता नहीं है, सिर्फ तालियां बजाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा करने के लिए इस तरीके से वहां पे उन लोगों को बुलाया जाता है, एक क्राउड, एक भीड़ का वो हिस्सा बन के रह जाते हैं। मेरे हिसाब से जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स मुंबई आते हैं उनको एक्टिंग सीखना ही चाहिए, उनको किसी न किसी फिल्म एकेडमी में जाना ही चाहिए, थिएटर ग्रुप से जुड़ना ही चाहिए, उससे होता क्या है उनकी एक्टिंग स्किल्स उभर के आती है। और अगर आप चाहते हो सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आकर हमारे लिए टाइम दिया, थैंक यू सो मच। कशिश मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हमें सुन पा रहे हैं, दोस्तों एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्टिंग का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना, और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मुझे नहीं लगता किसी को लाख रुपए दो लाख रुपए देने की जरूरत है। मिनिमम कॉस्ट में आप एक्टिंग सीखें, थिएटर ग्रुप से जुड़े, सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी, सक्सेस गेट थिएटर ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। हम आपको ऑडिशनिंग के लिए भी गाइड करते हैं एस्पायरिंग एक्टर्स, पूरा का पूरा एक सिलेबस है, मोनोलॉग, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन, सेंस मेमोरी, सब्जेक्टिव स्टडीज, स्टैनिस्लावस्की की एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, क्लासिकल एक्टिंग, माइम, एमोल्यूशन, डिक्शन, स्पीच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेजिटेशन किलिंग, नर्वसनेस किलिंग, पी एस्थेटिक टेक्निक, माइकल चकाव एक्टिंग टेक्निक, उल्टा हैगन टेक्निक, लाइव थिएटर प्ले, ये कंप्लीट एक सिलेबस दिया जाता है। कैसे जो भी एस्पायरिंग एक्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, मुझे लगता है ये ओवरऑल ग्रोथ होगा उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं। एक्टर अपने लाखों रुपए बचाओ, यही हमारा मुहिम है एस्पायरिंग एक्टर्स। मिनिमम कॉस्ट में आप सीखिए और आगे बढ़ जाइए, हमारे साथ जुड़ने के सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है, आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। थैंक यू सो मच कैसे जो आपने स्टूडियो में बुलाया। ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स कीप वॉचिंग अस, इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। कुछ कैसे बोलना चाहती हैं टू द व्यूअर्स? सर एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, जूनियर आर्टिस्ट के बारे में तो हो गया, हम बोलना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में नई नई जानकारी के साथ फिर से बने रहेंगे। थैंक यू। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि नई नई जानकारी के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हम आपको अपग्रेड करते रहेंगे इसी तरीके की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।